आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल फन विद सब्जेक्ट के इस वीडियो में। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस श्रृंखला के दो वीडियो जो पूर्व में प्रकाशित हो चुके हैं उनको आप पहले देख लें, जिससे कि समावेशी शिक्षा के आधारभूत तत्वों का आपको पता चल सके। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। समावेशी शिक्षा का महत्व क्या है, क्यों आखिर समावेशी शिक्षा सब लोगों को दी जानी चाहिए, समावेशी शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए जानी जाती है, मीन्स सारे लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, ये समावेशन का एक प्रमुख बिंदु है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, संविधान हमारे ऊपर एक दायित्व तो देता है कि हम उन लोगों की एजुकेशन का भी ध्यान रखें जो शारीरिक और मानसिक या आर्थिक तौर पर अक्षम हैं, मींस जो इकोनॉमिक डाउनट्रोडन क्लास है, जो अपने स्तर पर एजुकेशन को नहीं पा सकते हैं, समाज में उनके भी एजुकेशन की व्यवस्था किया जाना संवैधानिक दायित्व के अधीन आता है। सोशल इक्वलिटी, समाज में सबको समानता के अवसर प्राप्त हों, सभी को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर उपलब्ध हों, इस बात का भी ध्यान समावेशी शिक्षा देती है। डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक क्वालिटीज़, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास मीन्स प्रजातांत्रिक समाज में सरकार का चयन सबके द्वारा और स्वतंत्र तौर पर किया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रसार जब जन जन तक होगा तभी शायद लोकतांत्रिक मूल्यों का सही विकास हो सकेगा। प्रॉपर इंक्लूशन इज पॉसिबल, समाज के हर वर्ग का, हर व्यक्ति का, हर छात्र का जब तक शिक्षा में बराबर का योगदान नहीं होगा या शिक्षा प्राप्त करने में सबको समान अवसर नहीं उपलब्ध होंगे, किसी तरीके की अक्षमता के कारण वो शिक्षा से अलग होंगे, जिसको हम हाशियाकरण कहते हैं, तो समुचित समावेशन नहीं होगा। तो समावेशी शिक्षा उन लोगों को भी शिक्षा की धारा में जोड़ने का प्रयास करती है, इसलिए समावेशी शिक्षा महत्वपूर्ण है। सोशल डेवलपमेंट, सबका सामाजिक डेवलपमेंट किया जाता है, सारे व्यक्तियों को समाज में विकसित किया जाता है, इकोनॉमिक रिसोर्स सही से डेवलप होते हैं, आर्थिक विकास की प्राप्ति होती है, जीवन स्तर में सुधार किया जाता है और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, आखिर समावेशी शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए, व्हाट इज़ द नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो समावेशी शिक्षा इस आधार पर दी जानी चाहिए कि हम एक प्रजातांत्रिक राज्य में जी रहे हैं और प्रजातांत्रिक राज्य में एक प्रजातांत्रिक सरकार हमारे द्वारा चुनी जाती है, जिसको चुनने का दायित्व तो हर उस व्यक्ति का है जो इस समाज में 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है। तो अपने अधिकारों और दायित्वों की जानकारी के लिए ज़रूरी है कि शिक्षा सबको प्रदान की जाए बिना किसी भेदभाव के। तो जो सोशल या इकोनॉमिकल डिसेबल हैं या फिजिकल डिसेबल हैं उनको भी शिक्षा की धारा में जोड़ने का काम करती है समावेशी शिक्षा। एजुकेशन सभी के लिए हो, शिक्षा की सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्यास का सिद्धांत, ये सिद्धांत ये बताता है कि जो आर्थिक और सामाजिक तौर पर सक्षम व्यक्ति हैं वो सामाजिक और आर्थिक तौर पर अक्षम व्यक्तियों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर के उनके कल्याण के लिए कार्य करें। समावेशी शिक्षा यह भी कार्य करती है। एजुकेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, समाज में वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय, आर्थिक स्तर, इन सब के भेदभाव के बिना शिक्षा के अवसर सभी के लिए प्रदान किए जाएं, इसके लिए भी समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। डेवलपमेंट ऑफ एडजस्टमेंट एंड एडेप्टेशन, समाज में छात्र किस तरीके से समायोजित होगा, वो समाज के बदलते एटमॉस्फेयर में, पर्यावरण में किस तरीके से अपने आप को ढालेगा, किस तरीके से वो अपनी क्षमताओं का विकास करेगा, आने वाली चुनौतियों को वो किस तरीके से पूरा करेगा, सभी के लिए शिक्षा की सामान्य ज़रूरत पूरी हो सके, शिक्षा सभी के अंदर सामाजिक और आर्थिक गुणों का विकास कर सके, सभी को सामाजिक और आर्थिक तौर पर उन्नति करने का अवसर प्राप्त हो सके, इसके लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। अंत में शिक्षा सामाजिकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति को शामिल करती है, इसलिए शिक्षा सबको उपलब्ध होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, क्यों आखिर समावेशी शिक्षा सारे व्यक्तियों को दी जानी चाहिए। समावेशी शिक्षा देने का मतलब है कि समाज एक
इकाई के तौर पर विकसित हो। समाज में विभेद होना, समाज में डिस्क्रिमिनेशन होना, स्तरीकरण होना, समाज का विभाजन होना समाज के लिए घातक है, खासकर प्रजातंत्र के लिए। प्रजातांत्रिक समाज में सभी को समान अवसर प्राप्त होते हैं, सभी को उद्देश्य युक्त शिक्षा दी जाती है जिससे कि वो अपना विकास करते हुए समाज का विकास करे और अंततः राष्ट्र का विकास होगा। तो शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, क्यों आखिर ये शिक्षा सभी को दी जानी चाहिए, या क्यों इस शिक्षा को हम समावेशी शिक्षा के बिंदु पर जोर देते हुए समझते हैं, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि शिक्षा सभी के लिए हो, ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अगर हाशियाकरण होगा, कुछ बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा जाएगा, तो ऐसे में शिक्षा सभी के लिए यह उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए समावेशी शिक्षा दी जानी चाहिए। रिकग्निशन ऑफ द गिफ्टेड क्वालिटीज, छात्र कहीं ना कहीं अगर किसी जगह पर कमज़ोर होता है तो किसी जगह वो मजबूत होता है, उसका कोई भाग, उसका कोई पार्ट, उसकी सोचने का ढंग, उसकी कार्य करने का ढंग, उसकी आवाज़, उसकी कलाकृति, कुछ भी उसके अंदर होगा विशेष, ऐसे व्यक्तियों को समाज में पहचाना जाए, ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा के दौरान पहचाना जाए और उनके उस गुण का विकास किया जाए जिससे कि वो उसके आधार पर अपने जीवन स्तर का निर्वहन कर सकें। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, शिक्षा समानता के तौर पर दी जानी चाहिए, उसमें किसी व्यक्ति के अक्षम या निशक्त होने के कारण शिक्षा से उसे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षा सामाजिक सुरक्षा के तौर पर भी देखी जा सकती है, सामाजिक सुरक्षा का विकास शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। अशक्त और विशिष्ट छात्रों की पहचान करना, सामाजिक सुरक्षा की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व तो है कि हम शिक्षा के माध्यम से विशिष्ट छात्रों को या गिफ्टेड चाइल्ड्स, जिन्हें की कुछ स्पेशल क्वालिटी ऊपर वाले ने दी है या नेचर ने उन्हें प्रदान किया है, जिसके दम पर, जिसके बल पर वे अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। निशक्त बच्चों में जीवन निर्वहन क्षमता का विकास, हम कोशिश ये करें कि उन बच्चों में जो कि अपने आप से डिसेबल हैं, उनमें कुछ कोशिश की जानी चाहिए कि वो अपना काम स्वयं करने की क्षमता विकसित कर सकें, जिससे कि आगे आने वाले समय में वो अपने आप को इस तरीके से विकसित करें कि वो अपने काम को अपने आप कर सकें। छात्रों में सामाजिक एवं आर्थिक गुणों का विकास होना चाहिए, सभी छात्रों को समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल करने की कोशिश की जानी। दिव्यांगजनों और अक्षम व्यक्तियों के बारे में लीगल प्रोविजंस क्या हैं, विधिक नियम क्या हैं, इससे रिलेटेड कुछ एक्ट हैं, अधिनियम हैं, जिन्हें कि स्लाइड में मैंने संग्रहित किया है जिससे कि बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर आसानी से प्राप्त किया जा सके। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा एक अधिकार है, मींस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक व्यक्ति को जो भारत का सिटीजन है, नागरिक है, चाहे वो अक्षम हो, चाहे वो डिसेबल हो, चाहे वो निशक्त हो, सबको एक समान शिक्षा देने का अधिकार देता है, यानी शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है, ना कि उसका दायित्व। समाज को इसकी व्यवस्था करनी होगी। रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग एक्ट, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, भारतीय पुनर्वास अधिनियम 1992, जिसे दिव्यांगजनों और डिसेबल स्टूडेंट या छात्रों के को पुनः समाज से जोड़ने का प्रयास करने का की व्यवस्था की गई है। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, दिव्यांग जन अधिनियम 1995, जिसमें कि जिसे हम PWD एक्ट कहा करते हैं, यह एक्ट 2016 के एक्ट के द्वारा रिप्लेस किया जा चुका है। नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ द पर्सन विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पैल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट 1919, ये एक माइलस्टोन एक्ट है, अशक्तता निशक्तता अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि 6 तरीके की डिसेबिलिटीज या अक्षमताओं का वर्णन किया गया है, हर एक की कंडीशंस को बताया गया है और ये समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके के बच्चे की व्यवस्था किस तरीके से की जानी चाहिए। नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NHFDC, ये वित्तीय विकास अधिनियम कहलाता है, अशक्त और डिसेबल लोगों के लिए फाइनेंस और आर्थिक व्यवस्था जितनी भी भारत में प्रोवाइड कराई जाती है उस सबको NHFDC
फाइनेंस करता है। NHFDC अपने माध्यम से कुछ डायरेक्ट लोन या इन्वेस्टमेंट देता है, कुछ केंद्र संचालित करता है जिनका वर्णन नीचे दिया गया है। दिव्यांग जन स्वावलंबन योजना, इस योजना के तहत 50 लाख तक का लोन एक डिसेबल व्यक्ति को दिया जाता है जिससे कि वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। ये 5-9% पर एनम के इंटरेस्ट पे दिया जाता है। महिलाओं और हियरिंग एड्स के अलावा दूसरी किसी निःसक्षरता से ग्रसित व्यक्ति के लिए 1% की रिबेट इस अधिनियम में मिलती है। विशेष माइक्रो फाइनेंस योजना YMY, 60,000 रुपीस का वन टाइम लोन सैंक्शन किया जा सकता है जिसे कि 3 साल की अवधि में आसान किस्तों में चुकाया जा सकता है। NHFDC स्वावलंबन केंद्र NSK, ये योजना हर डिस्ट्रिक्ट में लागू की गई है जिसे कि NHFDC पूरी तरीके से फाइनेंस करता है। ये पूरे ज़िले में अक्षम लोगों के स्वरोजगार से रिलेटेड योजनाओं को आर्थिक लोन देने का प्रयास करता है। राइट ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 RPWD, ये 2016 में लागू किया गया 16 दिसंबर को, जिसने कि PWD एक्ट 1995 को रिप्लेस कर दिया है। इन इंडिया इंक्लूसिव एजुकेशन वॉज इनिशियली स्टार्टेड इन 1970 एंड 80 सेंचुरी डिकेट्स, मीन्स 1970 और 80 के दशक में समावेशी शिक्षा को भारत में प्रारंभ किया गया। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005, ये राष्ट्रीय शैक्षिक पाठचर्या 2005 के नाम से जानी जाती है, जिसमें कि विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के करिकुलम में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होंगी और किस तरीके से डिसेबल और अक्षम लोगों की विशेष केयर करते हुए उनके लिए पाठ्यक्रम किस तरीके से समायोजित किया जाएगा, इस विषय पर प्रकाश डालता है। IED स्पेशल एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड वॉज स्टार्टेड बाई POA 1992, मीन्स 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन समिति जो 1992 में आई थी, उसके तहत स्पेशल एजुकेशन का क्रियान्वयन भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आज के समय में समावेशी शिक्षा को लागू करने का जो प्रयास किया गया है वो भारतीय समाज को एक समुचित इकाई के तौर पर विकसित करने का आर्थिक प्रयास, सामाजिक प्रयास है जिससे कि सभी वर्ग के सदस्य आर्थिक तौर पर सक्षम और अपने आप में स्वावलंबी बन सकें। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आगे हम किन विषयों पर अपने वीडियोज़ को बनाएँ। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारा प्रयास रहेगा कि बहुत जल्द हम समावेशी शिक्षा के करिकुलम को पूरी तरीके से कवर करते हुए आगे के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पर अपने वीडियो को प्रसारित कर सकेंगे। एक बार पुनः धन्यवाद। नमस्कार।